समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। वो आज पूरे 50 साल के हो गए हैं। पहले के अखिलेश यादव और आज के अखिलेश यादव के तेवर में कोई खास कमी नहीं आई है। एक वो समय था जब अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लोगों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था ठीक ठाक से कराते हुए नजर आए थे। ये किस्सा साल 2003 का है, जब मुलायम सिंह यादव तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कर रहे थे। कन्नौज से बन चुके सांसद अखिलेश अपने पिता की ताजपोशी में जुटे हुए थे। कौन गेस्ट कहां से आएगा, कहां बैठेगा, इन सब का जिम्मा अखिलेश यादव ने अपने कंधों पे उठाया हुआ था। इन्हीं कामों के बीच अब मुलायम सिंह यादव भी शपथ ग्रहण करने के लिए मंच तक आ पहुंचे थे और भीड़ के बीचों बीच मुलायम सिंह यादव के लिए जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गए थे। इस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आ पहुंचे थे, साथ ही साथ मुलायम सिंह के करीबी माने जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन और सुब्रत रॉय, अनिल अंबानी जैसे लोग भी इस समारोह में शिरकत करते हुए नजर आए थे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी जद्दोजहद में लगे हुए थे। अपने पिता के इस कार्यक्रम का उन्होंने टेबल चेयर से लेकर सिक्योरिटी तक का पूरा कारभार उठा रखा था। पिताजी का भी आदेश था कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और जिम्मेदारी भी काफी कठिन थी। इन्हीं सबके बीच फिर शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होता है और मुलायम सिंह यादव शपथ ग्रहण करते हैं। आज हमारे बीच भले मुलायम सिंह यादव ना हो, मगर उनकी बनाई हुई समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव ने संभाल रखा है। अब अखिलेश यादव पूरे 50 साल के हो चुके हैं और इस सियासी उठापटक को काफी सहजता से संभालते हुए समाजवादी पार्टी को लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें चेतना मंच के साथ।